गाइस, पान के प्लांट को आप कहाँ पर रखते हैं? शेड में ना? मैंने भी शेड में रखा था और रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए, इस तरह से लीफ जो है वो कर्ल होने लग गए हैं और जो ग्रीन ग्रीन लीव्स थी उनमें कुछ स्पॉट्स आने लग गए हैं। ये सब हुआ है हमारी इस गलती की वजह से कि हमें अपने पान को हमेशा शेड में रखना होता है। लेकिन गाइस, क्योंकि अब सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पड़ने लगी हैं तो हमारी ही तरह हमारे पौधों को भी धूप की ज़रूरत है, उन्हें भी ठंड लगती है। तो अब निकाल दीजिए इन्हें धूप में, और आपके पास जितने समय के लिए भी धूप आती हो, बस बहुत ही ज़्यादा समय ना रखें आप इसे, 5 से 6 घंटे ना रखें, बस 3-4 घंटे भी अगर धूप आती है तो आप बिल्कुल आराम से अपने पान के या फिर अदर जो प्लांट है उन्हें रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब 3-4 दिन हो चुके हैं जब मैंने इसे निकाल दिया था धूप में, और आप देखेंगे अब इसमें यहाँ से न्यू जो शूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं, न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। वरना तो इसकी जो भी पत्तियाँ आ रही थी सारी इस तरीके से कर्ल होकर वहीं ड्राई हो जा रही थी और ख़राब हो जा रही थी। कुछ पत्तियों को मैंने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से अगर अब तक आप जिस भी पौधे को सीड में रखते आए हैं, फिर भी उसे कोशिश करिए कि थोड़ी सी धूप तो मिल ही जाए, बिकॉज हमारे जो पौधे होते हैं उन्हें भी धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो इंडोर प्लांट है उन्हें तो स्पेशली आप थोड़ी सी धूप दिखाइए, क्योंकि अब बहुत मौसम में चेंजेस आ चुके हैं। तो इस वजह से हमारे जो प्लांट है उनमें भी हमें उनकी रूटीन में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी। तो देखिए गाइस, अगर आप इसे बिल्कुल सीड में रखेंगे ना तो डेफिनेटली ये प्लांट जो है डाई कर जाएगा, और हम अपने प्लांट को सेव करने के लिए एक स्टेप तो ले ही सकते हैं। तो बिल्कुल धूप दिखाइए। मैंने भी अपने पौधे के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोशिश करिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।